हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, निफ्टी में 21,800 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। 800 का हाई बनाया था, 21,730 के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई थी दिसंबर के महीने। ठीक है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 21,140 पे सपोर्ट लिया और 21,725 पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो अगर ये कोई बड़ा गैप अप हो जाता, फिर वहां से ऊपर निकल जाता तो पॉसिबिलिटी थी बाजार के इस महीने को रॉकेट बनने की। अदरवाइज एक और स्कोप था कि एक नीचे कैंडल बन सकती है। ठीक है, नीचे कैंडल बनेगी नहीं बनेगी उसकी गारंटी हमें कहाँ मिलेगी, उसका सिग्नल हमें कहाँ मिलेगा, या फिर बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा, वो सब के जो आंसर हैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलेंगे। यहाँ तो आपको 21,700 दिखा रहा है, बस ये दिखा रहा है कि अभी तक उस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीकली पे 21,400 इंपॉर्टेंट लेवल था और वही कहीं का एक लो बनाया इस वीक का। ठीक है, ये फिबोनाची लेवल था, 21,430 का लो बनाया। तो अभी तक बाजार मंथली वीकली चार्ट में बाय डिप्स है, इतना ही समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग डेली चार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले वीकली पे एक चीज और देख लेते हैं कि अभी प्रीवियस वीक का जो हाई था 21,750, वो अभी क्रॉस नहीं हुआ है। हुआ था लेकिन फिर से बाजार नीचे आ गया, तो 21,750 के ऊपर बाजार स्ट्रेंथ गेन करेगा, ये वीकली चार्ट बता रहा है। ठीक है, डेली चार्ट क्या बता रहा है, ये एक रेंज थी जो जिसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था, फिर वो फेल हुआ और बाजार ने आके फिर 21,830 850 का हाई बनाया, अगेन वो 21,830 टेस्ट कर। ठीक है, आज के दिन बजट डे था, मूव नहीं आ पाया। अब देखिए, इस तरीके के जो रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ एक यहाँ दो और ऊपर आपको इतना बड़ा गैप दिख रहे हैं, तो ये गैप अप से ही फिल होते हैं। ठीक है, यूजली इसलिए बाजार आज उसको क्रॉस नहीं कर। ठीक है, अब क्या कल गैप अप होगा या नहीं होगा उसकी एनालिसिस करेंगे, थोड़ा और समझेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें एक बात क्लियर हो गई कि अगर 21,830 840 के ऊपर निकलता है तो बाजार बुलिश हो जाएगा। ठीक है, राइट। ओवरली चार्ट पे देखते हैं, बाजार ट्रेंड लाइन से दूर निकल गया, एक और ट्रेंड लाइन थी इसे फॉलो कर रहा है, नहीं इसे भी नहीं कर रहा, तो क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक और ट्रेंड लाइन बना देते हैं हम इसको और इसे यहीं रोक देते हैं, यहीं कहीं सपोर्ट है, यानी 21,665 के आसपास। ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन का, राइट। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, 15 मिनट चार्ट पे कल का प्लान बनाते हैं, समझते हैं कि कल क्या पॉसिबल है 21,830-40 क्रॉस करना और हमें ट्रेड कैसे करना है कल के दिन। ठीक है, देखिए आज का जो हाई बना वो 21,830 बना, डे लो बन गया 21,660 के आसपास और क्लोजिंग भी वहीं कहीं हुई। ठीक है, अब देखिए आजकल हो क्या रहा है, नीचे क्लोज होता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर क्लोज होता है तो नीचे चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तैयारी करते हैं गैप अप की। देखिए, अगर 21,740 के ऊपर गैप अप हो गया, ठीक है, तो फिर 21,800 से 830 का जोन वापस से आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 800 तो आएगा। ठीक है, अब वो गैप अप के बाद थोड़ा कूल ऑफ हो, नीचे आए फिर ऊपर जाए, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, दैट इज अनदर बेस्ट सिनेरियो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा कॉल में बैठेंगे। 21,000 चाहे बड़ा गैप अप हो जाए, थोड़ा सा नीचे आए तो उठाने की हम कोशिश करेंगे, एक लेवल हमारे लिए फिर ये आ जाएगा 21,770 तक का। ठीक है, 70 के आसपास तक का एक और लेवल आ जाएगा, 770 तक 740 तक कहीं भी पुल बैक आया फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे, वहां देखेंगे सस्टेन कर रहा है तो 21,830 तक का टारगेट होगा। 21,840 के ऊपर निकलेगा, 21,920 और 970 का टारगेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन दिया तो सपोर्ट तो बिल्कुल आसपास सा दिख रहा है, तो 21,650 से लेके 660 तक का ये जो लेवल है, ठीक है, ये अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन देके ब्रेक हो जाता है तो फिर बाजार वीक हो जाएंगे और वो 21,580 के आसपास आएंगे, जो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है,
21,570 अगर टूटा तो फ्रेंड्स फिर 21,480 में आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगी। फिर तो ये हो गया कि भाई यहां गई इधर गई और ये कोई एम पैटर्न बनाने तो नहीं आ रही इस तरीके से। फिर एक ये लास्ट बन जाएगा 21,480, उसके नीचे तो फिर वो एम बनाने आ जाएगा, ठीक है, विच इज अ बियरिश पैटर्न। तो हमें दोनों तरफ के लिए रेडी रहना है। ऊपर जाएगा तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, हायर हाई के भी चांसेस हो जाएंगे। नीचे जाएगा तो फिर वो एम भी बना सकता है, ठीक है। ये सारी जो ट्रेंड लाइन बनाई है, सारा जो माउस दिया है, वो एक बारी में पी जाएगा पानी की तरह, ठीक है, राइट। कई लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे ड्राइंग बना के दिखा देंगे और आपको बियरिश कर देंगे, मार्केट यहां ये गैप अप देखे यूं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर ऐसा होगा देन वी विल ट्रेड, हमें लेवल्स पता है कि हमारे लेवल ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, नीचे के सपोर्ट ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, हम सेल ऑन राइज ही करते रहेंगे। तो आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।